नमस्कार, अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। इस वक्त हम आए हैं जोंगजी हावी। ये गांव जो है खिमयांग से 20 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक जो है और आगे बाउंड्री की और जब जाएंगे तो ये गांव जो है सबसे लास्ट है, आखिरी गांव है। तो आज जो है जोंगजी गांव में जो कि सिल्वर जुबली, ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का द्वारा 25 साल के बाद ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का उनका तरफ से ये जो है सिल्वर जुबली मनाया जाता है। तो 25 साल में क्या उन्होंने क्या गवाया है और क्या लाभ पाया है, उन चीज़ों को लेके ही यहाँ में एक लोग जो है आते हैं। तो यहाँ में जो है TBCA तांगसब ऑफ टीचर्स काउंसिल की एसोसिएशन की ओर से भी कई लोग जो है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, मिशन सेक्रेटरी है, ये लोग जो है आए हैं और कई सारे जो पास्टर्स है वे लोग भी आए हैं। तो हम उन लोगों से भी बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ गांव जो जोंगजी हावी का गांव जो है ये पहला गांव हो सकता है जो कि क्रिश्चियन में आने वाला जो है ये पहला गांव है, जो कि अगर हावी जनजाति का बात करते हैं तो ये चार गांव है जो कि तोंगथुंग हावी, सोंगखू हावी, नमचिक हावी और ये जो है जोंगजी हावी है। ये पहाड़ों पे है, बहुत ही आखिरी गांव है। तो हम उनसे भी चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ में 52 चांगलंग साउथ के जो ऑनरेबल MLA है वो भी शामिल है आज जो है। उनका तरफ से ये भी कहा रहा था कि ये एक होली जगह में आए हैं। उनका तरफ से ये जब से इलेक्शन जीते हैं उसके बाद जो है आज पहले बार जो है ऐसा इस तरह का जो रिलीजियस प्रोग्राम में आए हैं। तो हम उनसे भी ये सिल्वर जुबली को लेके जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए। आपने कहा था कि ये जो है पहले बार है आपका इलेक्शन जीतने के बाद सर, तो जोंगजी हावी लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सोशल या स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए सर? तो वही है कि इस बार इलेक्शन के बाद सच में आज ही मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा रिलीजियस या होली ओकेजन में मुझे बुलाया है। तो इसलिए मैं तहे दिल से स्पेशली जोंगजी गाँववासी एंड हावी कम्युनिटी से हो उन लोग को मैं मेरा तरफ से और मेरा फैमिली की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बेस्ट विशेस देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि हमें अपना धर्म को आगे ले जाते उसका साथ साथ में हमें दूसरा ऐसा भी है सेक्टर से हमें उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से, और ऐसा में हमें सब जितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसको भी आगे मतलब लेके जाना है। और अभी हाल ही में आप हम सबको पता है कि अभी नॉट ओनली इन अरुणाचल दैट इज अक्रॉस द कंट्री अभी ऐसा ड्रग्स मिनिस्ट है, तो उसमें सारा स्पेशली यंगस्टर्स वहाँ में लिप है, एवरीवन इज इन्वॉल्व। तो उसको मैंने फाइट बैक करने के लिए, कॉम्बेट करने के लिए मेरा ये पर्सनल अपील है कि लेट ईच एंड एवरीवन हैज़ टू कम अप एंड ट्राई टू फाइट दैट ड्रग्स मिनिस्ट कलेक्टिवली so that up to some extent it can be minimized, it can be reduced. वही हम सब का irrespective of any religious color हम सब आगे बढ़ना है और सोसाइटी को बचाने के लिए हम लोग काम करना है। थैंक यू सो मच सर, मुझे समय देने के लिए सर। हम यहाँ जो जोंगजी का इल्डर है उनसे भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे और जोंगजी गांव का विषय को बारे में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू अरुणाचल प्रदेश, यस आप आया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग यहाँ में आज सिल्वर जुबली हुआ है,
तो ये गांव जो है कब स्थापना हुआ, कब शुरुआत हुआ, और जो ये जो आप लोग का जो सिल्वर जुबली है 1999 से लेके किस तरह से आप लोग आगे बढ़ पाया है, उसका गांव का विषय को थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ थैंक यू। क्योंकि पहले हम 1999 में स्थापित हुआ ये यहाँ में, तो फिलहाल एक चाचा था, चाचा क्रिश्चियन और फर्स्ट कन्वर्ट था। क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम था कि आइज का प्रॉब्लम, उसका आँखें मतलब वो बीमार था या बंद हो गया था, ताकि वो अंकल जो हर मेडिकल जा के देखा है लेकिन उसको ठीक नहीं हुआ, तो वो जाके एक रिलीजन क्रिश्चियन का रिलीजन वो लेके आया ये बस्ती में लेके आया। तो हम लोग धीरे उस समय हम लोग नॉन क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन के बारे में इतना जानकारी भी नहीं था। तो चाचा जो सच का उसका आँखें ठीक हुआ है, ठीक होने का कारण हम लोग भी धीरे आस्ते उसी समय में हम लोग ड्रग्स यूजर था, ड्राई लोकल कानी यूजर था, लिक्विड यूजर था, अपना अपना मन अपना अपना या धर्म था या कुछ रिलीजन था, कुछ भी नहीं था, मतलब इनोसेंट पीपल होकर बैठा था। तो ड्रग्स कानी वो ना होने चीज़ खा के पी के अपनी जीवन जी रहा था। तो चाचा जो धर्म लेके आया था, तो देखा है तो चाचा बहुत अच्छा हो गया उसका आग, अच्छा होने के बाद हम लोग भी ए धर्म जो अच्छा है बोल के 1999 में यो स्टाब्लिश हो चाचा का पास आया। तो अभी 2024 तक 25 ईयर सिल्वर हो गया, तो सिल्वर जो भी हो गया क्रिश्चियन बन के सारा सोसाइटी को भी हम लोग मिल मिलाप था। पहले पूजा था या पहले एक फेस्टिवल था हम लोग का रोंगहोन बोल के कोंगतुम बोल के, उसके फेस्टिवल में हम लोग दारू पी के लिक्विड जूस के मारपीट जकरा कर रहा था। लेकिन आज का दिन में हम लोग रिलीजन क्रिश्चियन धर्म लेके एक दूसरा को, चाहे किसी का रिलीजन हो, चाहे किसी का भाई भैया हो, कि चाहे किसी का ट्राइब हो, हम लोग एक दूसरा को प्यार दिखाते हैं और प्यार बताते हैं। तो आज का भी एक हम लोग ये एक इंडिपेंडेंट 25 ईयर हम लोग इंडिपेंडेंट मिला है। तो पहले ज़माना से अभी थोड़ा 25 ईयर का अंदर में थोड़ा चेंजिंग हुआ है, चेंजिंग है। पहले ज़माना में ना यहाँ में कोई एजुकेशन का सेक्टर था, ना कोई की क्या पढ़े लिखे था, कोई भी नहीं था, इनोसेंट पीपल था। लेकिन आज का दिन में यहाँ में 4-5 तो बी एम ए हो गया, बेटा बेटी लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ गया, और जितना लोग अभी यहाँ पहले ज़माना का जैसा नहीं, खान पान पूरा चेंज हो गया, और जितना भी एक दूसरा दुख तकलीफ को सेवा करना का, एक दूसरा को मदद करना, वही रिलीजन है, वही धर्म है हम लोग का क्रिश्चियन रिलीजन में, दूसरा को अन्याय को नहीं, उस दूसरा को उठाने के लिए। तो जैसे कि आज जो है चर्च में हमें देखने को मिला कि जो कमिटमेंट, तो 50 साल क्योंकि गोल्डन जुबली जो है क्रिश्चियन वाले लोग जो है गोल्डन जुबली मनाया जाता है 50 साल के बाद, तो आप लोगों का मिशन क्या रहेगा? वही है 50 साल फिर गोल्डन जुबली आएगा, तो मेरा मिशन है भले हम लोग सीनियर लोग रहे या ना रहे, फिर भी जितना इन फ्यूचर का अभी बेटी बेटा लोग का इनको इन फ्यूचर में IAS IPS एजुकेशन सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर या इनकम सेक्टर आगे बढ़ के जाए बढ़े जाए। और क्योंकि हम लोग ऐसे वो है माइनॉरिटी ट्राइब है, तो फिलहाल अभी यहाँ में सिल्वर जुबली 25 ईयर मना रहे, लेकिन अपर हावो ट्रम में हम लोग यहाँ में सबसे थोड़ा हाईएस्ट चार्जेस ये है जोंगजी विलेज, हम लोग जोंगजी का विलेज यहाँ से अभी सिल्वर जुबली कर, लेकिन ऐसे हावो सोसाइटी ऐसे हावो बेटी बेटा लोग को लिए आगे बढ़ेगा, तो गोल्डन जुबली तो गोल्डन जुबली तो अगर पहुँच जाएगा तो इन लोग का लाइफ आगे बढ़ेगा, एक एजुकेशन सेक्टर में बढ़ेगा, इनकम या नॉलेज ज्ञान आगे बढ़ते जाएगा। और क्योंकि ऐसा आगे बढ़ते जाएगा, कोई पहले जैसा सब्सटेन लिक्विड यूज नहीं करेगा या इलीगल काम नहीं करेगा या ड्रग्स यूज नहीं करेगा, रिलीजन की तरफ से आगे बढ़ते जाएगा और आगे ऑर्डन झुकली तो पहुँच के ये हम लोग का ये भगवान के लिए हम लोग रिलीजन के लिए थैंक्स देते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा बोल के मेरा उम्मीद वही है। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो सर अरुणाचल टुडे में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। ये जो है आपका एसोसिएशन के लिए ये बहुत खुशी का बात है, जो कि 25 ईयर्स जो कि तंगसा बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल एसोसिएशन का अंदर में आज जो है जुबली मनाया जा रहा है, तो इसी को लेके सर आपका क्या कहना होगा सर? थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग अस। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा दिन, खुशी का दिन है,
और पर्टिकुलरली जोंगजी हावी के लिए इतना दूर में होने के बाद में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इतना दूर होने के बाद में आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। लोग खुशी है और चारों तरफ से टीवी से बहुत कई चर्चेस से आए हैं, चर्च लीडर्स, पास्टर्स और वेल विशर्स इंक्लूडिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ रिलीजन, बहुत लोग आया हुआ है। इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। सर, जैसे कि जो यहाँ में जो सोशल मीडिया में कई सारे ये छाया हुआ है कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो सर पूर्वजों में अगर जब देखता है तो जो भाई भैया है या मामा भांजा है, उन चीज़ों का जो रिश्ता जो है, बंधन जो है, बहुत तगड़ा से चलता था। तो आज के दिन में जो अभी न्यू जनरेशन आप कह सकते हैं या रिलीजन के भी चेंजेस भी आ रहा है, तो इसमें अभी जो सिचुएशन जो है, मतलब उतना बंधन में नहीं जैसा लगता है, तो लोग जो है सही कह रहा है जैसा भी लगता है, तो आप लोगों का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी टीबीसी का तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम भी थैंक यू, हम भी एक्सेप्ट करते हैं लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कल्चर, हम लोग क्रिश्चियन आदमी हो के कल्चर लॉस कर रहा है, क्रिश्चियन जो है आइडेंटिटी खो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हम लोग ट्राइबल तंगसा ऐसा ट्राइबल हम लोग का खून में है, ये हम लोग का फेथ का बात है। फेथ हम लोग क्रिश्चियन है, लेकिन हम लोगों का कस्टम, हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग का रहना, खान पान, कपड़ा, जितना भी जो भी है, हम तो ट्राइबल ही है। और इससे ट्राइबल जो है, हम लोगों का जो आइडेंटिटी है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और हाँ, जो रिलेशन, कस्टमरी रिलेशन, फैमिलीज रिलेशन जो मेंटेन होना चाहिए, वो हम लोगों का भी बहुत कंसर्न है। ये यंग जनरेशन को देख के, हम लोगों को जो हमारा पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स जनरेशन्स ने हमको जो सिखाया है, वो आस्ते आस्ते थोड़ा कमती हो रहा है। मुझे लगता है ये रिलीजन के वजह से नहीं है, ये कोई रंग फ्रा में चला गया इसलिए लॉस हो रहा है, क्रिश्चियन में चला गया इसलिए लॉस हो रहा है, ऐसा बुद्धिज़्म में चला, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये एक ट्रेन है, ये लगता समय के साथ में ये यंग जनरेशन का जब जैसा ही जितना ही एक्सपोजर होता है वो होता है ये, और ऐसा ट्रेन तो चलते रहता है। लेकिन ऐसा ज़्यादा अभी तक नुकसान हुआ है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, अभी भी हम लोग मेंटेन करते हैं। और रहा टीबीसीए, तंगसा बैप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन, एस ए मेच्योर एंड रजिस्टर्ड सोसाइटी, हम लोग इस मामले में हम लोग कॉन्शियस हैं, वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। हम लोग सिर्फ रिलीजियस का नहीं है, सोशल रिलेशन, सोशल कल्चर ट्रेडिशन, इसके बारे में भी हम लोग काम करता है। इवन सोसाइटी का जो इवल्स है उसको भी हम लोग रिमूव करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअल में कन्फाइन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग क्रिश्चियन हो गया इसलिए हम लोग अपना ट्रेडिशन छोड़ दिया, रिलेशन को ख़त्म कर दिया है, ऐसा तो नहीं लगता है। सर, जाते जाते यहाँ जोंगजी गांव के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या संदेश रहेगा जोंगजी गांव के लिए सर? हाँ, इस गांव के मैं ये 15 साल पहले एक बार आया था, उस समय का सिनेरियो, उस समय का गांव का हाल अलग था। ये 25 साल के बाद में जब मैं यहाँ आया हूँ, सिनेरियो टोटली चेंज है, लोग एजुकेशन में भी आगे है, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे है। और मुझे लगता है ये एंटायर सर्कल में ये एक प्रोग्रेसिव बस्ती है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत क्या बोलता है अप्रिशिएट करता हूँ, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उनका जो अच्छा काम के लिए। और ये बस्ती मेरे ख्याल से ये सराउंडिंग बसीज के लिए भी एक आई ओपनर होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।